हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। ओपनिंग तो बहुत हो चुकी दोस्तों, मैंने 100 और 12 और 13 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं ओपनिंग के बारे में। कुछ कुछ एंड गेम और मिडल गेम के बारे में भी है। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ ओपनिंग सीखने से आप लोग चेस में जीत नहीं सकते। आपके तीनों पार्ट्स चेस में जीतने के लिए क्लियर होने चाहिए, लाइक मिडल गेम, एंड गेम और ओपनिंग। सबसे पहले हम लोग जब कोचिंग करते हैं, किसी बच्चे को सिखाते हैं, तो पहले एंड गेम से शुरुआत करते हैं। एंड गेम एकदम स्ट्रांग बनाते हैं, उसके बाद उसे मिडल गेम ट्रेनिंग देते हैं और बाद में उसे ओपनिंग सिखाते हैं। ओपनिंग लास्ट में सीखी जाती है, लेकिन यूट्यूब में बहुत सारे लोगों को ओपनिंग सीखना होता है, इसलिए मैं वन बाय वन, बैक टू बैक बहुत सारी ओपनिंग्स अपलोड करता रहता हूँ। अब बीच बीच में मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा जिससे आपकी गेम पूरी चेंज हो जाएगी, गेम खेलने की स्टाइल चेंज हो जाएगी। दोस्तों, आप लोगों ने एंजिन के बारे में सुना होगा। एंजिन, उसे हम अलग नाम भी दे सकते हैं, सॉफ्टवेयर या मशीन। अब चेस में जो सॉफ्टवेयर यूज करता है, सॉफ्टवेयर में आप कोई भी मूव रखोगे और उसका जवाब सॉफ्टवेयर आपको देता है कि इसका रिप्लाई ये है, बेस्ट रिप्लाई, उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर, या इंजन भी कह सकते हैं और मशीन भी कह सकते हैं। मशीन और ह्यूमन के थिंकिंग में बहुत डिफरेंट होता है दोस्तों, बहुत ही डिफरेंट। मैग्नस कार्लसन की ये पोजीशन है, आप जो बोर्ड पे देख रहे हो, ये मैग्नस कार्लसन की एक गेम की पोजीशन है। वो खेल रहे थे ब्लैक से। अब इस पोजीशन के ऊपर मैं आपको मशीन का क्या डिफरेंट होता है, मशीन कैसे सोचता है और मैग्नस कार्लसन ने क्या खेला था और क्या मिस्टेक की है, यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों। अब इसी प्रकार आपका थिंकिंग ही मशीन की तरह हो जाएगा, इंजन की तरह हो जाएगा, तो आप कुछ अलग ही लेवल का गेम खेलोगे, कुछ अलग ही लेवल का, जिसका रिप्लाई ग्रैंड मास्टर्स प्लेयर्स के पास भी नहीं रहेगा। तो हम यहाँ से बैक टू बैक हाउ टू प्ले लाइक मशीन, ऐसे मैं आपको वीडियो अपलोड करता रहूंगा, साथ में ओपनिंग भी देखते रहेंगे और एंड गेम भी सीखते रहेंगे। जैसे जैसे आप मेरे साथ चलोगे दोस्तों, एक आध साल में कंटिन्यूज आप सारे वीडियोस देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन चेस खेलना सीख जाओगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक जरूर कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। थिंक लाइक अ मशीन, ये पोजिशन ब्लैक टू, यहाँ पे व्हाइट टू प्ले था। इन पोजिशन में व्हाइट में दोस्तों व्लादिमीर बुर्माकिन खेल रहे थे, जो भी ग्रैंड मास्टर है, वर्सेस मैग्नस कार्लसन। ओल्ड गेम है 2007 की। उन्होंने खेला था f4, यहाँ पे नाइट पे अटैक किया था। अब नाइट क्रॉस d थी, कार्लसन ने प्ले किया यहाँ पे नाइट क्रॉस d3, रुक क्रॉस e8, व्हाइट प्ले रुक क्रॉस e8 और कार्लसन ने रिप्लाई दिया रुक क्रॉस e8। अब नॉर्मल है, आप भी हो या आपसे बेटर प्लेयर है, या इंटरनेशनल मास्टर लेवल का प्लेयर है, या ग्रैंड मास्टर लेवल का प्लेयर है, या सुपर ग्रैंड मास्टर प्लेयर है, सबको जब आपका कोई पीस कैप्चर करता है सामने वाला, तो सभी का हाथ उसके पीस को कैप्चर करने के लिए चला जाता है, जहां की कोई काउंटर प्ले दिख नहीं रहा। अब इसी पोजीशन में कार्लसन ने ये मिस्टेक की है, इसे रुक टेक्स e8 मिस्टेक माना जाता है। अब कि आगे क्या हुआ, व्हाइट प्लेड f5, उसके बाद बिशप क्रॉस f5, कार्लसन प्लेड g क्रॉस f5, q क्रॉस f5, रुक d1, रुक d1, नाइट पे प्रेशर बनाया, रुक e3 और ये है बैड टाइमिंग। यहां पे कार्लसन का बैड टाइमिंग बताया है रुक e3। अब यहां पे मशीन का ट्विस्ट देखते हैं, मशीन क्या सोच रहा है, इंजन क्या सोच रहा है यही पोजीशन में। दोस्तों, ये पोजीशन में जब व्हाइट ने f4 किया तो मैग्नस कार्लसन तो सही थे नाइट इंटू d3 मूव में,
यहाँ पे रूक e8 में यहाँ मशीन कुछ अलग मूव बताता है। आप वीडियो पूछ करके अपना भी मूव सोच सकते हो, और मैं मशीन ट्विस्ट आपको बताऊंगा। मशीन ट्विस्ट में बिशप क्रॉस f4 बताया है। अब देखो पोजीशन में, अगर व्हाइट रुक टेक्स रुक करता है तो व्हाइट एक्सचेंज अप होता है। आप तो यही सोचोगे कि मैं भी सबसे पॉन मारूंगा तो पहले तो मेरा रुक मार के चेक आ रहा है, तो मेरा दूसरा रुक भी चला जाएगा। लेकिन ये पोजीशन के एंड में क्या होता है, आफ्टर रुक f8 किंग क्रॉस f8 क्वीन e2, बिशप से क्वीन पे अटैक है, ऑब्वियस क्वीन बचाएगा। क्वीन e2 के बाद बिशप e3 चेक, किंग f1, नाइट क्रॉस b2, आफ्टर क्वीन टेक्स b2, बिशप d3 चेक। अब देखो किंग e1, क्वीन e6, अगेन डिस्कवर चेक की थ्रेट, और क्वीन मर रही है सामने वाले की, तो यहां डिस्कवर से बचने के लिए किंग d1 फोर्स मूव है। और यहां ब्लैक a4 खेलेगा पॉन ब्रेक के लिए। आफ्टर बी टेक्स a4, और यहां एक वेटिंग मूव है बिशप f4, बहुत ही ब्रिलियंट। नाउ क्वीन e3 की थ्रेट है दोस्तों यहाँ, उसके बाद ये चेक। अब देखो आपका क्वीन, दोनों बिशप कितने वर्क कर रहे हैं। आप एक्सचेंज डाउन हो, पूरा रुक डाउन हो, लेकिन किंग को कैसे आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो यहाँ पे। इसे बचाने के लिए क्वीन f2 कंपल्सरी मूव है। और यहां वंस अगेन क्वीन टेक्स c4। अब क्वीन टेक्स f4 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वीन c2 चेक और क्वीन e2 चेकमेट है। तो यहां अगर ब्लैक व्हाइट रिप्लाई देता है बिशप d5 काउंटर अटैक के लिए, तो यहां पे क्वीन क्रॉस a4 चेक, किंग e1 फोर्स मूव है, और फिर g5। अब दोस्तों ये पोजीशन से ऐसा मशीन का मानना है, इंजन का मानना है कि ब्लैक टोटली विनिंग पोजीशन में है, क्योंकि दो बिशप जो है इतने पावरफुल पोजीशन में, नाइट पे थ्रेट भी है, नाइट बचाएगा, उसके बाद पॉन पुश की भी थ्रेट है, दो पॉन सेंटर में है, और क्वीन b6 भी आ सकता है। बहुत सारे प्ले है ब्लैक के पास, ब्लैक को कुछ खोना ही नहीं है इसमें दोस्तों। भले ही रुक डाउन है, लेकिन व्हाइट का रुक सिर्फ दिखावे का है, जो साइड में पड़ा है, कुछ काम का नहीं है। व्हाइट का नाइट और बिशप सारे पीसेस हैंगिंग पीसेस है। अगर कोई भी यहां से मूव कर लेता है तो किंग को बचाने के लिए कोई स्कोप नहीं रहता है। तो ये मशीन का थिंकिंग है, आप भी ऐसे इंजन की थिंकिंग कर सकते हो। मेरे नए वीडियो में आपको ऐसे ही अलग अलग पोजीशन में दिखाऊंगा जहां पे ग्रैंड मास्टर ने कैसे मिस्टेक की है और मशीन क्या चाहता है, इंजन क्या चाहता है। तो ऐसा थिंकिंग करने के लिए आपको वीडियो से जुड़ा रहना है, चैनल से जुड़े रहिए, और हर एक वीडियो को कमेंट, लाइक और जो भी मेरे फेवर में होता है वो कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूँ। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।